आजाद भारत के 75वें स्वतंत्रता दिवस समारोह की जिले में तैयारी शुरू हो गई। स्वतंत्रता दिवस की परेड के लिए पुलिस और सशस्त्र बलों के जवानों द्वारा हाई सेकेंडरी स्कूल क्रमांक 2 से स्कूल में रिहर्सल किया जा रहा है, जिसमें पुलिस बल के 2 प्लाटून, महिला प्लाटून, पुरुष प्लाटून के साथ होमगार्ड प्लाटून, SF प्लाटून और CRPF का प्लाटून परेड की तैयारी में जुट गए और रोजाना क्रमांक 2 में स्कूल के रिहर्सल किया जा रहा है। परेड की फाइनल रिहर्सल 13 अगस्त को प्रातः 9 बजे की जाएगी। जिला मुख्यालय पर स्वतंत्रता दिवस समारोह का मुख्य आयोजन क्रमांक 2 स्कूल में किया जाएगा, जहां मुख्य अतिथि परेड की सलामी लेंगे। उसी मद्देनजर परेड की रिहर्सल की जा रही है। कोरोना की दूसरी लहर के बाद वैज्ञानिकों द्वारा जताई जा रही तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए इस बार सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ किसी भी प्रकार का कोई आयोजन नहीं किया जाएगा। इस बार केवल सशस्त्र पुलिस बल द्वारा ही परेड की सलामी ली जाएगी। परेड में स्कूली छात्र छात्राओं को भी सम्मिलित नहीं किया गया। समारोह में केवल अतिथियों द्वारा झंडा वंदन किया जाएगा, उसके बाद परेड की सलामी का आयोजन होगा। ये जो स्वतंत्रता दिवस की जो परेड है, 75वें स्वतंत्रता दिवस की परेड जो है यहाँ आयोजित की जा रही है। इस कार्यक्रम में जो है जिला बल की 2 टुकड़ियाँ रहेंगी, एक महिला प्लाटून रहेगा, एक पुरुष प्लाटून रहेगा और होमगार्ड का प्लाटून रहेगा, एक SF का प्लाटून रहेगा और एक CRPF का प्लाटून रहेगा। ज़्यादा हर वर्ष की तरह जो स्कूल के छात्र छात्रा रहते हैं उनको तो सम्मिलित करने के लिए मना किया गया है, तो इस बार जो है सशस्त्र जो बल हैं हमारे उनके द्वारा जो है ये परेड करवाई जा रही है और अभी प्रारंभिक तैयारियां चल रही है, उनको प्रैक्टिस करवाई जा रही है। 13 तारीख का समय रखा गया है, 13 तारीख को सुबह रखी गई है, 13 तारीख को सुबह पहला नहीं किसी प्रकार के कोई कार्यक्रम नहीं होंगे, केवल परेड। सर, नीमस आसिफ अली की रिपोर्ट।